जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं आदिल हाउस कराची पर, जहाँ पर जो है कि हलीम आदिल शेख साहब पे आज तीन मुकदमात दायर किए गए थे, जिन्होंने उन्होंने ATC से जमानतें मंजूर करवाई थी, जिसके बावजूद पुलिस जो है वो यहाँ पहुँची है हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ़्तार करने। आप देख सकते हैं ये उनके घर के बाहर इस वक्त कारकुनान भी मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो कि आपको मैं बताता चलूं, इस जगह पर उनकी घर की गली में इस जगह पर मौजूद है तकरीबन 10 से 20 पुलिस की जो मोबाइल्स हैं वो यहाँ खड़ी हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पहुँची हैं। कारकुनान से गुजारिश है कि वो आए और इन ज़ालिमों के खिलाफ खड़े हों, जल्द से जल्द हलीम आदिल शेख साहब के रिहाइशगाह पहुँचे। इस वक्त मैं बराह रास्त आपको दिखाता हूँ, पुलिस जो है वो उनके घर की गली में मौजूद है। आज ही उन्होंने जो है वो अपनी जमानतें कराई हैं। आप देख सकते हैं जमानत के बावजूद पुलिस की भारी नफरी जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद है, जो कि इस जगह पर यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे जो है वो मोबाइल और नफरी मौजूद है। जी इस वक्त आप देख सकते हैं हम आदिल हाउस कराची पर मौजूद हैं और यहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुँच चुकी है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार करने के लिए आज सुबह आपने देखा था तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब को सियालकोट में गिरफ्तार किया था। इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सिंध में भी, सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है, जो कि उनकी घर की गली में मौजूद है इस तरफ।